फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और अभी जो टाइम हुआ है बजे है 12। आजकल ना लेट, मतलब मैं इतनी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ नहाने के लिए। अभी मैं नहा के आई हूँ, नहा के मैंने पूजा की है और पूजा करने के बाद अब मुझे लग रही है बड़ी तेज़ी से भूख, क्योंकि मुझे खाना है खाना। तो चलिए खाते हैं खाना। तो चलिए बैंगन की सब्ज़ी खाते। और नहाते समय ना मेरी आँखें थोड़ी सी लाल हो जाती है, तो देखिए आज भी ना आपको थोड़ी सी लाल नज़र आ रही होंगी। कल तो इसलिए हो गई थी क्योंकि कल फेस वॉश मेरे आँखों के अंदर चला गया था, इसलिए। तो चलिए खाते हैं। और आप मुझे कमेंट करते हो ना कि दीदी जब आप खाना खाया करो ना, ज़्यादा मत बोला करो और बैठ के आराम से खाना खाया करो। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी खाना खाती हूँ ना, तो मुझे ये नहीं लगता कि खाना खाने के बाद मैं वीडियो शूट करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना भी ना मैं आप लोगों के साथ ही खाऊँ, मतलब पहले मैं आप लोगों को खाना खिलाऊँ उसके बाद मैं खाऊँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले आप लोगों को खाना खिलाना। तो चलिए आप लोग खाइए मेरे आलू और बैंगन की सब्ज़ी और टेस्ट करके बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। अब मैं खाती हूँ। और ये सब्ज़ी ना मैं थोड़ी सी तीखी बनाती हूँ, मतलब मिर्च मसाले इसमें थोड़ा सा तेज़ डालती हूँ, तभी मुझे ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है आलू बैंगन की। बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हम तीनों लोग खा लेते हैं, मैं, मम्मी और हस्बैंड, हम तीनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोगों को बता दिया। और आज तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, क्या क्या दिखाने वाली हूँ। तो कल मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई, मैंने कितना सामान लिया, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने सारा सामान एक साइड में रखा हुआ था, तो सबसे पहले तो उसे मैं अच्छे से सैनिटाइज करूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना, चलो फिर देखते हैं। ठीक है, अभी मैं बना रही हूँ सेवैयाँ, क्योंकि मेरी सासू माँ का ऑर्डर है मेरे लिए सेवई बना के दे देना। और अभी जो टाइम हो बेटा, तुम खाओगे नहीं? और अभी बेटा क्या कर रहे हो? अभी जो टाइम हुआ है ना 2 बजे हैं, तो मम्मी ने बोला था कि 2 बजे करीबन मुझे दे देना, मतलब चाय पीने से पहले। तो मैं वही यहाँ पे बना रही थी, तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ। पानी मैंने रखा है बॉईल करने के लिए। क्या चाहिए बेटा? तो मेरा बेटा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, पता नहीं क्या चाहिए। हाँ बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा था मम्मी, ये वो वाली सेवई जो अम्मा ने हाथों से बनाई है कि वो मार्केट वाली सेवई? ये मार्केट वाली है। अच्छा, मार्केट वाली। आप खानी है? हाँ, मार्केट वाली बना रही हूँ तो मैं खाऊंगा। हाँ, मार्केट वाली, लेकिन दूध वाली बनाऊंगी। हाथ वाली भी पसंद नहीं है, जो जवे होते हैं ना वो इसको पसंद नहीं है, इसको मार्केट वाली ही पसंद है, जो पतली होती है ना थोड़ी सी, वही पसंद है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से, और इसकी रेसिपी किसी और दिन आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। देखिए ये वाली जो सेवई होती है ना एकदम पतली वाली, ये देखिए ये पतली वाली है मार्केट की, और इनको भून के रखा हुआ है। तो अब मैंने बना देती हूँ। तो आप लोग भी खाइए थोड़ी सी सेवई मेरी है ना। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी मैंने अपने लिए बनानी थी, आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए। तो लीजिए, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ किसी और दिन शेयर करूंगी, ठीक है ना। खाइए, मैं भी खा लेती हूँ। मस्त। तो चलिए मैं फटाफट से खा लेती हूँ, और उसके बाद मुझे आपको दिखाना है जो मैं शॉपिंग करके लाई थी ना, अब मैं आपको वही दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं खा लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्या मैंने अपने लिए खरीदा, तो आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ। उससे पहले पीते हैं गर्मा गर्म चाय, जो मैं चाय भी बना के लेके आई हूँ। चाय का टाइम हो गया। टाइम कितना? आज तो लेट ही हो गई, 4:30 हो गए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने सोचा चाय भी पीती रहूँगी, आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी। तो लीजिए चाय पीजिए, मैं भी पीती हूँ। चाय को रख देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाऊँ, सबसे पहले आपको ये दिखाऊँगी मैं कि जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से मैं गई थी। तो देखिए सबसे पहले तो दिखाऊँगी आपको राखियाँ, जो मैं राखियाँ लेके आई हूँ। और ना मुझे इस टाइप की राखी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक आती है बहुत ज़्यादा, मतलब फैली हुई राखी होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसी राखी मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये वाली राखी लेके आई हूँ। देखिए, और मार्केट में ना नया, तो मतलब नया माल तो कुछ आया ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि मैम ये सारा पुराना है और उसी को हम सेल कर रहे हैं, आपको लेना है तो लीजिए, पसंद आ रहा है तो, नहीं तो रहने दीजिए। फिर यार लेना तो था ही। मैं कहा चलो भैया कोई बात नहीं, आप दे ही दो जो भी आपके पास है। तो ये वाली राखियाँ मैं लेके आई हूँ,
और देखिए क्या आई थी, हाँ, और है मेरे पास मेहंदी की कीप जो मैं लेके आई थी। इस बार मुझे बाहर नहीं जाना लगवाने के लिए, कभी कभार मैं बाहर चली जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि बाहर मेहंदी लगवा के आऊँ, तो इसलिए मैं घर पे ले आई थी। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन काम चला लेती हूँ। अब जैसी भी लगाऊंगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, टाइम मिला तो, नहीं मिला तो फिर देखती हूँ, ठीक है। तो ये दो मेहंदी की कीप लेके आई थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा जी, अब क्या दिखाऊँ आपको, अब देखिए ये वाला दुपट्टा देखिए कैसा लग रहा है। ये मैं लेके आई हूँ अपने सूट के लिए, जो मेरा एक सूट है ब्लैक कलर में, और उसके साथ ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसा दुपट्टा लूँ, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और ब्लैक कलर में सूट है मेरा प्लेन, तो उसके साथ ना मैं ये वाला दुपट्टा लेके आई हूँ कि उसके पास मतलब उसके साथ में ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को कैसा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला दुपट्टा। और ऐसे दुपट्टे जो होते हैं ना प्रिंटेड दुपट्टे, तो ये क्या है ना प्लेन सूट होता है ना उसी के ऊपर अच्छे लगते हैं, बाकी प्रिंटेड हम सूट पहनेंगे उसके ऊपर ये प्रिंटेड ही दुपट्टा डालेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल भी गंदा मतलब अच्छा लुक नहीं आएगा। तो ये प्लेन सूट के ऊपर ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला लेके आई है ना। और एक मैं लेके आई हूँ रेड वाला, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर का सूट है ना, तो इसलिए कभी दिल करेगा तो इसे डालूंगी, कभी दिल करेगा तो इसे डालूंगी। तो एक मैं लेके आई हूँ ये वाला, तो देखिए ये है रेड में, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा कुछ ज़्यादा भड़कीला सा है ना, थोड़ा सा कलर, लेकिन उस समय तो मुझे अच्छा लगा था, लग तो अब भी अच्छा रहा है, लेकिन प्लेन के साथ अच्छा लगेगा, या फिर इसके साथ गोल्डन सूट होगा ना उसके साथ इसे कैरी करूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो ये दो मैं दुपट्टे लेके आई थी, ठीक है, ये प्रिंटेड में मतलब, ठीक है ना, ये हो गए। अब आपको दिखाती हूँ मैं एक ही वाला दुपट्टा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये है नेट में और इस पर थ्रेड का वर्क हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये भी। तो देखिए कभी कभार क्या होता है ना, जो बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टे होते हैं और हमको अगर सर के ऊपर रखने होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब सर पे रुकते नहीं, वो खिसकते रहते हैं नीचे की साइड, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा हल्का लेके आई हूँ कि सर पे भी रुक जाए और दुपट्टा भी अपना काम करे। तो ये नेट का दुपट्टा वाइट कलर में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों को कौन सा दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लगा तो मुझे बताना कमेंट करके। देखिए आप लोग मुझे कमेंट करके बोलोगे कि दी आपने प्राइस तो बताया नहीं, तो आपको मैं प्राइस बता देती हूँ। ये जो व्हाइट कलर का, ये मुझे पड़ा था 300 का, और ये ब्लैक में और जो ये है रेड में, ये दोनों मुझे पड़े थे ये 250 का, ये भी 250 का, ठीक है ना। और मैं क्या लेके आई अपने लिए, और मैं लेके आई ये देखिए जूतियाँ, ये गोल्डन शेड में है और ये है ब्लैक में, तो दो लेके आई थी मुझे, दो लेके आई थी मैं क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत थी इसलिए, और मतलब अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो ड्रेस मुझे पहननी है ना उनके हिसाब से मैं लेके आई थी। और ये तो ये है किसी भी ड्रेस के साथ हम पहन सकते हैं, हर ड्रेस के साथ मैच करेगी, और ये भी मैं अपनी एक ड्रेस है उसके साथ के लिए लेके आई थी तो अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए तो मैं इतना ही लेके आई थी, और मुझे और भी कुछ सामान लेना था, लेकिन क्या हुआ ना मुझे सामान मिला ही नहीं, क्योंकि मार्केट में ना कुछ नया तो आ ही नहीं रहा, जो उनका पुराना माल है वही वो लोग निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बोल ही दिया था कि मैम नया तो कुछ है नहीं, जो आप मांग रहे हो और सारा हमारे पास पुराना है, अगर आपको पसंद आए तो ले लीजिए नहीं तो रहने दीजिए। फिर जो मुझे पसंद आया मैं वही लेके आई, तो ऐसा है ना जो चीज़ पसंद नहीं आती और मतलब फिर उस पर बेकार है उसको लेना, क्योंकि पैसा वेस्ट ही होता है फिर, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई। बस मुझे यही ज़्यादा इनकी ज़रूरत भी थी, मैं ज़रूरत वाला सामान लेके आई जो मुझे पसंद आया, तो बस मैंने इतनी शॉपिंग की थी, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने क्या क्या खरीदा। कर रहे हो, मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ और आप बार बार मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हो। मैं इसे कुछ भी पूछती हूँ ना जरा सा, तो कह रहे आप मुझे बार बार डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आ जाते हो। नहीं वो बात अलग है कि क्या कहते हैं, आज मेरे विशु ने ना फोन बहुत ही कम चलाया, तो इसको ना थोड़ी सी खलबली मच रही है कि मैं आज मतलब फोन कम चलाया तो थोड़ा सा चला लेता हूँ, क्योंकि इसके पापा तो हैं बाहर है ना, पापा इसके मना करते हैं ज्यादा फोन चलाने के लिए, मना तो मैं भी करती हूँ लेकिन मेरी सुनता नहीं है इसलिए। और अभी ये बाहर गया था, मैंने इसको बोला था क्या हुआ, मैंने क्या हुआ इसको क्या हुआ पता नहीं, और देखिए मैंने इसको क्या हुआ विशु, इसको मुझे लग रहा है कुछ सही याद आ गया तो इससे हंसी आ रही है इसे। और ये अभी बाहर गया था, मैंने इससे पूछा भी कि बेटा खाना खा लो, सब लोगों ने खाना खा लिया तुम भी खा लो, कि मम्मी अभी मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा क्यों भूख क्यों नहीं है, तो अभी कह रहा है कि मुझे भूख इसलिए नहीं है मैंने पापा के सामने नहीं बोला था, मैंने बाहर से कुछ खा के आ गया, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने अपने आप से बना रही हूँ। और मुझे पता है ये खा के आया होगा, क्यों खा के आया होगा, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ सबसे पहले यही बोलता मम्मी मुझे खाना दे दो, और आज मैंने पूछा, आज मैंने खुद से पूछा कि बेटा खाना लिया होगी, नहीं अभी नहीं खाना मुझे, है ना ये है ना, क्या खा के आया, अरे कुछ नहीं खा के आया बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ नहीं खा गया, कुछ ना कुछ तो खा के आया ये,
और कितना झूठा प्यार आप ऐसे कर रही हो, वैसे तो कभी नहीं करते आप कैमरे के सामने ऐसे प्यार नहीं करते नालायक। मैं तो दिन में कितनी बार मेरे बच्चों को इसी तरीके से प्यार कर लेती हूँ, आगे ये स्टडी करते रहते हैं अपने तो इसी तरीके से आगे कभी इसको कभी छोटे वाले को। वही तो पूछो मम्मी से कितनी बार। मैं हजारों बार बेटा मैं आती हूँ ना घूम फिर के तो बस इसी तरीके से हाथ फिर के चली जाती हूँ, एक इस तरीके से चुम के चली जाती हूँ, क्योंकि माँ बेटे का इसी तरीके का जो प्यार होता है ना ऐसा ही प्यार होता है। तो हंसने की क्या बात है, सब कुछ पागल बना रही हूँ इसको ना, ये प्यार भी मतलब नकली नजर आता है कि अपना झूठा प्यार कर रहे हो। माँ का बेटा कभी झूठा प्यार नहीं होता, समझे हमारी माँ का तो है। अब देखियो ये भी कुछ बोल रहा है चलो उसको सर मारी, चलो कोई बात नहीं तो कुछ बोल रहे दिखाओ ना उसको वो बोला जाता है वो कैमरे ऐसे करके बेटा, वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलता है, वो बहुत कम बोलता है, वो कैमरे के पीछे बोलता है जो भी बोलता है, मतलब उसके बस की नहीं, मतलब ये है कि मतलब पीठ पीछे बोल बोलना नहीं इंसान है मुंह पे इसके बस की नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ऐसी तो बात है और क्या है, ऐसी बात नहीं है। जब सुबह कैमरे में सब वो ज्यादा नहीं बोलता, वो ज्यादा नहीं बोलता क्या, मतलब पीठ पीछे कितना भी बुलवा लो सामने कुछ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है, वो फालतू नहीं बोलता बेटा, उसकी आदत ही है, वो उतना ही लिमिट का बोलता है, बस लिमिट की बातें करता है। तो फ्रेंड्स अब हम इस व्लॉग का फालतू बातें करता है, नहीं नहीं फालतू थोड़ी करता है, मेरे बेटे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस व्लॉग का एंड कर देते हैं ओके, और वो बोर हो रहा है कि अरे आप पका क्यों रहे उसको सबको, तो इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। कल जो व्लॉग आएगा ना इतना मज़ेदार आएगा आप लोगों को, ऐसे क्या मज़ेदार आएगा, मज़ेदार इसलिए आएगा क्योंकि विश्व से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और आप लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे देख के कि है विश्व की बचपन की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, बचपन की चीज़ें और अभी नहीं बताऊंगी है ना, कल दिखाऊंगी, कल वाला व्लॉग देखना, मेरे को सरप्राइज हो गए, तेरे को तो दिखाई रखा है, एक बार दिखाया इसको मैंने, और मुझे लग रहा है इसको भी पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। तो ठीक है फ्रेंड्स इस व्लॉग का एंड कर देते हैं ओके बाय गुड नाइट टेक केयर, जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुँचने वाला है बस एक घंटे के अंदर, और अब मैं फटाफट से इसकी कर लेती हूँ एडिटिंग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, लाइक जरूर कर दिया करो ओके, बाय गुड नाइट टेक केयर लव यू।